भागवत प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर है। धर्मनगरी के सेक्टर 8 में श्रीमद् भागवत कथा आरंभ हो चुकी है। बीती शाम सेक्टर 8 के मुख्य पार्क में श्रीमद् भागवत कथा आरंभ होने से पूर्व भव्य कलश यात्रा का भी आयोजन किया गया। श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ समाज सेवी सुशील चित्रा, पंडित पुरुषोत्तम शर्मा द्वारा गोरी गणेश, षोडशोपचार एवं नवग्रह आदि देवताओं का पूजन अर्चन किया गया। आपको बता दें कि वैशाख मास के पावन अवसर पर श्रीमद् भागवत गीता का शुभारंभ वीरवार को मंगल कलश यात्रा के साथ किया गया। श्रीमद् भागवत कथा परम श्रद्धेय भागवत प्रवक्ता वेदाचार्य आनंद शास्त्री प्रतिदिन शाम 5 बजे से शाम 7 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करवाएंगे। कार्यक्रम में सैकड़ों महिलाओं द्वारा शोभा यात्रा आयोजित की गई, जो नगर से होकर शिव मंदिर की परिक्रमा करके पुनः कथा स्थल पहुंची। समाज सेवी सुशील चित्रा, पंडित पुरुषोत्तम शर्मा ने गौरी गणेश, षोडशोपचार एवं नवग्रह आदि देवताओं का पूजन अर्चन किया। कलश यात्रा के बाद व्यासपीठ पर श्रीमद् भागवत जी का पूजन अर्चन करने के बाद स्थापित किया गया एवं परम श्रद्धेय भागवत प्रवक्ता वेदाचार्य आनंद शास्त्री को तिलक एवं पटका पहनाकर सम्मानित किया गया एवं यजमानों द्वारा दीप प्रज्वलित कर भागवत कथा का शुभारंभ किया गया। कथावाचक आनंद शास्त्री ने बताया कि भागवत जी का चिंतन अंतिम क्षणों तक करते रहना चाहिए। जिन लोगों ने भगवत और भागवत का आश्रय लिया है, उन सभी का कल्याण हुआ है। अजामिल, गजेंद्र, प्रहलाद, नारद इत्यादि महापुरुषों ने भागवत जी का अंतिम समय तक स्मरण, कीर्तन, चिंतन किया। इनके परिणाम आज समाज में देखने, सुनने और समझने को मिल रहा है। कथावाचक आनंद शास्त्री ने कहा कि विकट परिस्थितियों में भी मनुष्य को श्रद्धा भगवान का स्मरण करना चाहिए। यज्ञाचार्य रंगनाथ त्रिपाठी ने पूजन करवाया। आरती में शामिल पंडित वरुण शर्मा, सुषमा चित्रा, राजरानी, दर्शन देवी, राजरानी, सुषमा, गीता, बाला, सविता, अनीता देवी, श्वेता, सुनीता एवं अन्य सैकड़ों श्रद्धालु भी मौजूद रहे।